सभी भक्तों को राधे राधे, जय पिताजी की। हमारे घर जो है युगल जोड़ी श्रृंगार के लिए आई हैं, तो मैं आपको जो है दिखाती हूँ। ये देखिए, छोटे से युगल जोड़ी जो है हमारे यहाँ श्रृंगार के लिए आए हैं। इनकी जो है स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, कालापन हो चुका था, देखिए छेद भी हो चुका है। अब मैं आप सभी भक्तों को बताती हूँ, हम छोटी छोटी सी बातों पर पता क्या छोड़ देते हैं। जिनके ये युगल जोड़ी वो बहुत बुजुर्ग है माता जी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है इनका श्रृंगार कर दीजिए, इनकी आंखें बना दीजिए। उन्होंने पूरा श्रृंगार नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था क्या, सिर्फ इनकी आंखें बना दीजिए। तो मैंने कहा कि मैं कर दूंगी श्रृंगार। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या श्रृंगार करूं इनका, तो फिर मैंने सोचा पूरा मेकओवर कर देती हूँ ताकि माँ जी जो है उनको परेशानी ना उठानी पड़े। तो मैंने जो मेरे मन के अंदर जो है भाव आया कि मैं इनको ब्लू करती हूँ, मतलब ब्लू करने का ही भाव आया, यानी कि ब्लैक करने का भाव मेरे दिल में आया ही नहीं, बस दिल एक ही चीज़ कह रहा था कि ब्लू कर दे। फिर मैंने जो है ब्लू किया, फिर मैं लाड़ों को जो है वाइट करने लगी। लाड़ों को जो है सफ़ेद बिल्कुल करने का ऐसा मन हुआ कि वाइट कर दूं मैं लाड़ों को, काफ़ी सुंदर दिखेगी मेरी लाड़ो रानी। तो अभी जो है मैं एशियन पेंट से कर रही हूँ, कलर से नहीं कर रही हूँ, ताकि ये श्रृंगार लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, काफ़ी लंबे समय तक जो है ये श्रृंगार चले। तो मैंने जो है पेंट से इनको जो है किया था, ये सूख गए। अब सूखने के बाद जो है अब मैं इन पे एक्रिलिक कलर से जो है पेंट करूँगी। ये 6 कलर जो है मैंने बाहर निकाले हैं, जिनको मैं मतलब कि श्रृंगार में यूज़ करूँगी। ब्रश देख लीजिए आप, जो है मैंने ब्रश कौन कौन से इस्तेमाल करे हैं। 00 2 नंबर का ब्रश, और जो है ये वाला 0 नंबर का ब्रश है, और एक जो है 00 ब्रश है। तो ये वाली ब्रश जो है मैं 3 ब्रश से ही जो है पूरा श्रृंगार कंप्लीट करूँगी। अभी जो है मैं आंखों का बेस तैयार कर रही हूँ। देखिएगा, वाइट तो कर दिया था लाडो को, लेकिन जो आंखों का बेस है ना, वो मैं दोबारा से कलर से क्रिएट कर रही हूँ ताकि अच्छा खिलकर श्रृंगार आए। लड्डू का भी जो है मैं वाइट कर रही हूँ। लड्डू का और लाडो का मैं दोनों का साथ साथ में श्रृंगार इसलिए कर रही हूँ ताकि एक ही ब्रश से मेरे दोनों का काम हो जाए, वरना फिर अलग अलग दोबारा से मेरे को ब्रश जो है यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं एक ही ब्रश से जो है दोनों का श्रृंगार कर दे रही हूँ। अब देखिएगा, आँख के ना बिल्कुल साइड से लगाते हुए हम जो है पीले रंग की आउटलाइनिंग करेंगे आईब्रो वाली। उसके बाद में जो है हम लाडो के करेंगे। अब मैं लाडो के, जैसे मैंने लड्डू के किया, वैसे ही सेम जो है मैं अब लाडो के भी कर दूंगी। फिर मैंने रेड कलर जो है आईब्रो पे कर दिया था। अब उसके बाद में ब्लैक की फिनिशिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ब्लैक कलर को जब भी आप इस्तेमाल करो तो बहुत ध्यान से इस्तेमाल भी कीजिए। वही एक ब्रश जरा सी हमारी ख़राब चलने की वजह से, हमारी गलती की वजह से जो है पूरा श्रृंगार ख़राब हो सकता है। अब जो देखिए आप, ब्लैक जो से हम ना आईब्रो जो है बना रहे हैं बिल्कुल आराम से, प्यार से, हल्के हाथ से। अब उसके बाद में जो है हम आँख की शेप करेंगे। अब देखिएगा, श्रृंगार इतना मन भावक लगेगा, क्योंकि आपको ना जो भी बिगनर्स हैं जिनको नहीं आता है, वो बिल्कुल आसानी से श्रृंगार को कर सकते हैं। युगल जोड़ी का श्रृंगार करने का मेरा जो मेन मकसद है, वो एक ये भी है आप लोगों के साथ शेयर करना, कि जिन जो कहते हैं कि हमारे पास तो छोटे से होते हैं, हम उनका श्रृंगार किस तरीके से करें, नहीं हो पाता है। तो इसी तरीके से जो है मैं आपको बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से बता रही हूँ कि आप किस तरीके से जो है आप श्रृंगार कर सकते हो। बिल्कुल ध्यान से जो है, और पतली ब्रश का आप यूज़ करना, बिल्कुल जो एकदम बारीक वाली ब्रश होती है उसका यूज़ करें, और उससे ना आँख जो है उसकी शेप भी बहुत अच्छी आएगी। इस तरीके से जो है मैं अपनी आँख कंप्लीट कर लूँगी। अब बात आती है आई बॉल बनाने की। अब बीच का गोल बनाने के लिए सबसे पहले आप पूरी आउटलाइन कर ले गोल शेप की। जब आप गोल शेप की आउटलाइनिंग कर लेते हो, उसके बाद ही जो है आप अंदर से ब्लैक ब्लैक कर दीजिए। अब जैसे हमने लड्डू के किया था, वैसे ही अब जो है मैं लाडो के भी सेम ऐसे ही करूँगी। इससे ना आप लोगों को भी बहुत आसानी हो जाएगी। जब तक श्रृंगार नहीं होता है, तब तक भक्तों को काफ़ी अजीब लगता है कि अभी तो श्रृंगार अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब लग रहे हैं, लेकिन आपको पता है यही स्वरूप बहुत सुंदर हो जाएगा। अब मैं आप सभी भक्तों को बताती हूँ, जिन माता जी है ना, जिनके लड्डू मतलब हमारे पास श्रृंगार के लिए आए थे, तो उन्होंने ना ये कहा कि मतलब उनकी शादी जो है काफ़ी मतलब उनकी मदर मतलब जो है उनको देकर गई थी। ये तो काफ़ी होती है ना कि शादियां होने के बाद भी नहीं चल पाती हैं, तो जैसी आगे प्रभु की इच्छा। तो वो बोली कि मेरे पास में सिर्फ अब युगल जोड़ी है, कोई नहीं है मेरे आगे पीछे,
और माता पिता भी नहीं रहे हैं, तो आप बस इनकी आंखें आंखें बना दो। उन्होंने कहा तो मुझसे सिर्फ आंख बनाने का, उन्होंने कहा आप कुछ श्रृंगार मत करना, बस आंख आंख बना दो, क्योंकि मैं इतनी सेवा नहीं कर पाती हूँ कि इनको नहला पाऊँ, इसलिए इतने काले हो चुके हैं, बस आंख बना देना जिससे कि ये मेरे जो है प्रभु बहुत सुंदर हो जाए। जब उन्होंने मुझसे ये कहा तो मैंने कहा कि मैं आंख नहीं उनका स्वरूप ही बदल दूंगी, ये इतने सुंदर हो जाएंगे, इतने सुंदर हो जाएंगे कि आप कहोगे कि वही है जो मैं आपके पास श्रृंगार के लिए छोड़कर गई थी, इनका तो मैं स्वरूप ही बदल दूंगी। और फिर जैसी बाबू की इच्छा वो श्रृंगार करवाना चाहेंगे हमसे। जब मैं श्रृंगार के लिए बैठी इनकी बाबू के लाडू के श्रृंगार के लिए, आप यकीन मानोगे कि पहली बात तो मैं किसी भी लड्डू का श्रृंगार करती तो मेरी कोई प्लानिंग नहीं होती है कि मैं इनकी आंख में ये वाला शेड करूंगी या श्रृंगार करूंगी तो मैं इस तरीके से करूंगी, नहीं, खुद ब खुद स्वयं से भाव आते हैं कि आज मुझे ये वाला श्रृंगार करना है। आपको पता है जब लड्डू को मैं श्रृंगार करने के चली तो सब ने कहा कि ब्लैक कर दो, बाके बिहारी स्वरूप दे दो, ब्लैक कर दो, लेकिन मेरा दिल ब्लैक करने के लिए मान ही नहीं रहा था। मेरा दिल जो है ना वो बार बार यही कह रहा कि ब्लैक कर दो, वो नीला कर दो, नीला कर दो बस। तो मैंने दिल की सुनी अपनी, ना दिमाग इतना ज़्यादा नहीं चलाया मैंने, दिल की सुनी मैंने, फिर बाबू को जो है ब्लू कर दिया। लाडो का भी पूरा करने की सोची तो लाडो को वाइट करने का सोचा, और पता है आप यकीन नहीं मानोगे जैसे जैसे मैं श्रृंगार करती आगे बढ़ती चली जा रही हूँ, मैं जो चाह रही हूँ ना कि मैं श्रृंगार इतना करूँगी, नहीं, उन्होंने पूरा करवाया मुझसे श्रृंगार। मैं मतलब कि जैसे कि लाडो की चोली बनाई तो मैंने सोचा था मैं ब्लाउज जैसा बनाऊँगी, पूरा ऐसे नहीं करूँगी, लेकिन नहीं, जब मैं श्रृंगार करने के लिए बैठी तो लाडो ने जो है पूरी अपनी जो है वो चोली बनवा ली, जबकि मैं चाहती नहीं थी इस तरीके का करना, मैंने कुछ और मतलब कि माइंड में चल रहा था कि मैं इस तरीके से कर दूंगी, लेकिन नहीं, भाव स्वयं से ना आने लगे कि ऐसा ऐसे श्रृंगार करो मेरा। फिर मैंने उसी तरीके से जो है श्रृंगार करना शुरू कर दिया। अब जो है लड्डू का श्रृंगार करने लगी तो भाव नहीं था, मतलब मन नहीं कर रहा था कि इस तरीके से जैसे कि मैं गालों पे कुछ करूँ या ऐसे, मतलब कि गले पे कर दिया था, मैंने कहा था कि गालों पे नहीं, लेकिन ऐसा लगने लगा ऐसे वो मुझे कह रहे कि नहीं मेरे गालों पे भी करो श्रृंगार, ताकि जो है मैं देख सकूँ कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। फिर जो है मैंने लड्डू के गालों पे भी जो है वो श्रृंगार कर दिया। इस तरीके से ना स्वयं से ही उन्होंने मुझे भाव दिए। ये मतलब कि बहुत कम होता है कि मैं जो चाह रही हूँ ना वो नहीं हो पा रहा है, वो मतलब कि सब बाबू की इच्छा से हो रहा है सब कुछ। मतलब कि आप ये सोचोगे ना कि आप अपनी इच्छा से श्रृंगार करने बैठते हो, मैं कभी अपनी इच्छा से श्रृंगार के लिए नहीं सोचती कि मैं आज और आप कि आज मुझे ऐसा श्रृंगार करना है, कभी फ़ोन में नहीं देखा कि आज मुझे श्रृंगार करना है तो मैं फ़ोन खोल के बैठ गई हूँ कि मुझे ये वाला श्रृंगार करना है, कभी नहीं आज तक भी मैंने देखा। स्वयं से ही ये भाव देते हैं और स्वयं से ही श्रृंगार करवाते हैं अपना। और अगर किसी लड्डू बाबू को मैं सोचूंगी ना कि नहीं मुझे आज ना लड्डू बाबू के गले पे नहीं करना है, आइज आइज का करना है श्रृंगार, आप यकीन नहीं मानोगे वो खुद ना मुझसे पूरा टोटल श्रृंगार करा लेते हैं, बिल्कुल, गले का भी, हाथ का भी, और बाल भी पूरे, माथे का भी, सब कुछ टोटल पूरा मेकओवर करवा लेते हैं। ये उनकी माया है, वो मुझसे चाह रहे हैं श्रृंगार सेवा लेना तो ही मैं कर पा रही हूँ, नहीं तो मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनका श्रृंगार भी कर पाऊँ, मेरे तो बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है इतना। अब लाडो की जो है ना मैं जैसे कि मैंने चोली बना दी थी लाडो की, तो अब मैं ये साड़ी जैसे लाडो की बना रही थी, तो मैं ना मतलब सब मुझे कह रहे हैं कि ना घर में रेड कलर की बना दे, वाइट पे ना रेड बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन मेरा भाव जो था वो ग्रीन कलर करने को चाह रहा बार बार, दिल जो हृदय मेरा है बार बार दिल कर रहा क्या ग्रीन कर दूँ, ग्रीन कर दूँ। फिर जो है ना ज़्यादा दिमाग चलाते हुए मैंने जो है ग्रीन कलर का श्रृंगार करना शुरू कर दिया, जबकि रेड को भी अगर करती तो मैं काफ़ी सुंदर लगता, लेकिन पता नहीं क्यों ग्रीन के लिए जो मन जो है वो हो रहा था कि ग्रीन करो मतलब श्रृंगार, तो फिर मैंने ग्रीन करा। फिर लाडो की जो है मैंने ये आँखों में जो है ब्लू आइज़ बनाई लाडो की भी, मेरी मेरी गुड्डा की देखो ब्लू ब्लू आइज़ जो है मैंने बनाई, ताकि मेरी लाडो का जो है आंखें भी एक मन भावक हो जाएं। पूरा श्रृंगार इतना सुंदर लग रहा था, जैसे जैसे लाडो अपना मेकओवर कंप्लीट करवा रही थी ना वैसे वैसे इतनी सुंदर होती चली जा रही थी। लड्डू के जब मैंने लाडो को एक साथ बिठाया ना तो ऐसा लग रहा था कि लाडो अपने स्वरूप को ना निखारती चली जा रही है,
इतना सुंदर मतलब लाडो का स्वरूप था। लड्डू की ना धोती जो है मैं श्रृंगार के लिए जैसे कि करने लगी कलर, आप समझ सकते हो कि ना कलर कौन सा चूज करना, सब मुझे जो कलर कह रहे ना वो मेरे भाव आ ही नहीं रहे। नहीं नहीं मतलब फिर अपने ना मैंने जैसे जैसे मुझे जो भाव आते चले जा रहे थे मैं वही वही जो है करती चली जा रही थी श्रृंगार। और श्रृंगार देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे पूर्ण होता चला आ रहा था श्रृंगार, मुझे उतना ही और अधिक सुंदर लगने लगा। अब लाडो की जो है निकर हमने कंप्लीट कर लिया है और अब जो है जितनी भी जगह बची बची हैं हम वहाँ वहाँ श्रृंगार करेंगे। लाडो के भी देखिए ऊपर से कंप्लीट मेन जो श्रृंगार था वो कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे तक तरफ से भी जो है ना लाडो के वो श्रृंगार करें ताकि वो भी काफ़ी सुंदर लगे। वाइट से थोड़ा ना अजीब लग रहा था तो हमने इसको भी चेंज कर दिया। ये देखिए आप इसको हमने येलो कर दिया। पहले मैं सोच रही थी धोती से मैचिंग का ऑरेंज कर देती हूँ लेकिन जो ऑरेंज है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक जैसा सेम हो जाता तो कुछ डिफरेंट किया तो ये जो था येलो कर दिया। अब देख सकते हो ये कंप्लीट मेकओवर। अब हमने सोचा कि थोड़ी शेडिंग दे देते हैं। ऐसे ही कमर के दोनों तरफ जो हमने शेडिंग कर दी है, पैरों में भी शेडिंग। ग्रीन आउटलाइन जो है मैंने ये इसलिए किया, लाडो के जो नीचे है वो मैंने ऑरेंज कर दिया, लाडो के ड्रेस के मैचिंग का जो था मैंने धोती में कर दिया। यानी कि लड्डू के और बाबू के और लाडो के जो है ना वो थोड़ा मैचिंग ड्रेस का कॉम्बिनेशन हो जाए। छोटे से मैंने जो है फ्लावर से बना दिए लड्डू की जो है धोती में ग्रीन कलर के। लाडो के जो ग्रीन ड्रेस थी ना तो इसलिए मैंने जो है धोती में ग्रीन टचअप दिया ताकि थोड़ा ना मतलब मिक्स जो है लगे सेम मैचिंग का। और इस तरीके से जो मैंने फ्लावर भी कंप्लीट कर दिए। आगे भी जो है इसी तरीके से हम करेंगे। इस तरीके से आगे और पीछे हमने पूरे जो है एक जैसा लुक देने के लिए भी ये कर दिया। आप सब बताओ कि फ्लावर आपको कैसे लगे हैं, थोड़ा अलग सा जो है इस बार करने की सोची कुछ। ये देखो लग रही है कि बाबू ने जो ना फूलों वाली जो है धोती पहनी है। अब जो मैं बिंदिया रख रही हूँ छोटी सी, थोड़ा खाली लग रहा था अजीब। और अब देखिए लाडो रानी के मैं ऑरेंज करूँगी। जैसे हमने लड्डू की धोती में ऑरेंज में ग्रीन किया था ऐसे ही मैं जो है लाडो की जो साड़ी है ये तो इसमें जो है मैं ये ऑरेंज कलर के फ्लावर बनाऊँगी ताकि लड्डू की और लाडो की जो है वो मैचिंग हो जाए। तो इस तरीके से जो है हम लाडो को ताकि बाबू को ही ना लगे ना कि लाडो का मुझसे ज़्यादा सुंदर श्रृंगार कर दिया गया है। और हम तो कौन होते हैं इतना सुंदर सजाने वाले, ये स्वयं ही इतने सुंदर हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते। और लाडो इतनी सुंदर लग रही थी मुझे लड्डू भी लग ही नहीं रहा था कि मैंने श्रृंगार किया है। मैं आपको सच बात बताऊँ तो बहुत सुंदर लग रहे थे, स्वरूप ही मतलब इन्होंने स्वयं से ही मतलब कि इनकी इच्छा थी कि श्रृंगार ही मतलब कि चेंज कर लिया। अब लाडो के जो ब्लाउज पे था ना उस पर मैंने जो है ग्रीन कर लिया ताकि मैचिंग हो जाए। आप भी देख सकते हो ये इस तरीके से। अब मैं ना इसे मैचिंग लाडो के ही जो है ऊपर देखिए अब जो मैंने गले में जो है बिंदिया रख दी ताकि थोड़ा सा भरा सा लगे। और लड्डू के जो है हाथों में ये चूड़िया सी बना दी हमने ऑरेंज कलर की। और पैर जो हमने रेड कर दिए महावर लगा के। पीछे से भी जो है पैर मैंने लड्डू के रेड कर दिए ताकि रेड ना अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से जो है रेड कर दिए पूरा मतलब कि जो है मेकओवर किया था। ये वाला हैंड जो है मैंने नेल्स जो होते हैं ना वो रेड कर दिए। लाडो के जो है दो चूड़ियाँ बनाने की सोची थी फिर नहीं सोची, तीन पहनाऊंगी ना लाडो को थोड़ा सा हैवी सी लगेगी। बैंगल्स पहनी है लाडो रानी ने। और फिर हमने लाडो के पैर किए, फिर लाडो के जो है पैर कम्प्लीट ही आगे से नाखून बना दिए। दूसरे पैर में भी जो है हमने शेप दी प्रॉपर और नाखून जो है लाडो के
कंप्लीट किए, महावर लगाई। अब पैर ना प्रॉपर पता भी चल रहे हैं, श्रृंगार करते वक्त जो बिल्कुल वाइट हो गए थे एकदम से, तो नहीं पता चल रहे थे, तो बाद में जो है मैंने ऐसे कर दिए वाइट, तो जिससे कि ना रेड रेड कोटिंग, तो उससे पता चल रहा था कि पैर हो गए हैं। अब लड्डू के हमने बाजूबंद बना दिए ताकि लड्डू मेरा खुश हो जाए। हमने पूर्ण तरीके से अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है लाडो का, लड्डू का जो है श्रृंगार करने की, और लाडो को लड्डू को बस पसंद आए। बाल करने की बारी आई, थोड़ी सी हमने शेप दे दी बालों की, और फिर जो है ये बाल ब्लैक कर दिए। इससे पता क्या, अभी स्वरूप ही बिल्कुल जो है एकदम ही बदल जाएगा, क्योंकि बालों से जो है सबसे ज़्यादा लुक चेंज होती है। आँख बनने के बाद ही ऐसा लगता है कि प्राण आ गए हैं जैसे, तो श्रृंगार में। और अब जो है मेरी लाडो रानी की जुल्फे बनाने जा रही हूँ मैं, बालों की लटें, ताकि वो खुश हो जाए। और ऐसे ही जो है मैं लाडो के इस साइड भी ये बाल जो हैं बना रही हूँ, ताकि लाडो मेरी खुश हो जाए। दोनों साइड हमने कर दिए, लड्डू के भी जो बाल है मैंने कर दिए। सिंगार जो है वो पूर्ण हो चुका है दोनों का, आप देख सकते हो। बताइएगा ज़रूर कि आपको श्रृंगार कैसे लग रहा है, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों तक जो है मेरी वीडियो पहुंच सके, और लोग जो हैं जिनको श्रृंगार की दिक्कत होती है उनको भी श्रृंगार सेवा प्राप्त हो सके। सभी भक्तों को राधे राधे, जय पिताजी की।